इसको ये बोलते हैं गुम्बा, बुद्धिस्ट गुम्बा बोलते हैं इसे। देखो आप जन्म में नहीं था। अच्छा आप जन्म में नहीं थे। आईफोन नहीं है ना। इंडिया की किस जगह आईफोन था? आईफोन से इंडिया में मेरा घर ताली की वाटी नहीं गए। आज नेपाल की 25 तारीख है गाइस और हमारी है 12 तारीख। यहाँ पे ना नेपाल में जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो है 106 रुपये इंडियन, और वैसे अगर नेपाली की बात करूँ तो 170 रुपये 50 पैसे अभी अभी डीजल की कॉस्ट है, पेट्रोल इससे महंगा ही होगा गाइस। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गोदावरी, वो इससे पहले वाले अभी 50 का ले जा रहे हैं। और आज पहली बार नेपाल में आए, नेपाल बोल रहे महेंद्र नगर तक आए लास्ट, इसके बाद भी आया उसने। ये हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, इधर से हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। हल्का हल्का थोड़ा सा सिफ्ट मतलब क्या हल्का हल्का मसाज मुझे रहता हूँ के बाद में जड़ बना नहीं जड़ जड़ बट इनमें जड़ आ दूंगा दिन। हमारे यहाँ पे बहुत नेपाली रहते हैं, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं। क्या कहा आपने? क्या कहा इन्होंने? दाढ़ी के लिए कहा मतलब आपको नेपाली समझ समझ आती है? आती है मतलब बोलनी नहीं आती है आपको? नेपाली समझ में आती है मतलब जानबूझकर नहीं समझना चाह रहे हैं। यहाँ के लोग ना बहुत हंसी मजाक वाले होते हैं। अरे आंटी को ही देख लो आप अकेले हंस रहे हैं और खुद ही समझ रहे हैं। मैंने इनसे बोला कि एक महीने यहाँ रहने वाले हम भी पूरी नेपाली सीख जाएंगे। यही है आपका घर? सो गाइस हम लोग यहाँ पे गोदावरी में पहुँच चुके हैं, और गोदावरी में ये जो लोकेशन है ये यहाँ पे इन्होंने बुद्धास की लोकेशन के हिसाब से इन्होंने इसको डेकोरेट कर रखा, क्योंकि यहाँ पे ये झंडे आप देख सकते हैं मेरे पीछे झंडे हैं। नेपाल में घूमने के लिए ना ये भी एक अच्छी लोकेशन है, जहाँ पर क्या बोलते हैं कि आपको पहाड़ों वाला पूरा फील मिलने वाला है। यहाँ पर इधर से पहाड़ आपके लग जाते हैं सारे के सारे, इधर साइड से पीछे को फिर सारे पहाड़ी पहाड़ हैं। इधर पे ये आपका इन्होंने बुद्धास टेम्पल है, यहाँ पे एक मूर्ति है गाइस दिखाता हूँ मैं आपको। इसको ये बोलते हैं गुम्बा, बुद्धिस्ट गुम्बा बोलते हैं इसे। देख रहे हो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेपाल के लोग आते हैं या फिर इधर के लोग आते हैं? विदेश टूरिस्ट सब लोग आते हैं, अमेरिकन जर्मन फ्रेंड्स सब लोग घूमते हैं। अच्छा यहाँ पे की खासियत क्या है? खासियत इसने उधर पुल है, हाँ ब्रिज साइड में टेंपल है। टेंपल कहाँ पर है? उधर पे नहीं ना, उधर यहाँ से आगे। अच्छा नीचे की तरफ है जो, हाँ जो 1 किलोमीटर नीचे है। इधर गार्डन है, गार्डन हम अंदर गार्डन जा सकते हैं। अभी पहले यहाँ से आगे ब्रिज देखने जा रहे हैं। यहाँ पे नेपाल के अंदर जो गोदावरी है जो जगह है वो जगह फेमस इस ब्रिज के लिए है। अभी दिखाता हूँ आपको किस तरीके की है वो टेम्पल। अच्छा गोदावरी में आपका टेम्पल है? ये ब्रिज है ना, ये अभी बंद है ना? ये बंद है, ये अहिले नेपाल का इतिहास है ना। अच्छा नेपाल का इतिहास, इसमें क्या कहते हैं इसमें? गोदावरी काठी पुल, काठी पुल इसे कहा जाता है। अच्छा ये ब्रिज इतना पुराना है कि अब इसमें कोई चले तो टूट जाए, है गाड़ी वगैरह चलेंगे तो टूट जाएगा आदमी लोग के घूमने के लिए पुराना है ना। ठीक ठीक इसको मतलब जिस समय गाइस क्या बोलते हैं इसको, ये बना है ये बहुत साल पुराना है लेकिन इसको रिपेयर नहीं किया गया, इसको ऐसे ही छोड़ा है। और ये अभी रिपेयर शायद आगे होगा नहीं होगा ये भी ये जानते नहीं है। सिंपल ये है कि ये लकड़ियों वाला पुल है, लकड़ियाँ लगी है ना सारी इसमें, और इसमें सिर्फ ये टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट प्लेस जैसा है कि यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं और घूम सकते हैं। और ये ब्रिज इस तरीके से लकड़ी का बना है, थोड़ा बहुत लकड़ियाँ इसकी साइड से सड़ी हुई है। इसमें गाड़ी वगैरह तो सारी की सारी बंद कर रखी है ना, है ना। यहाँ से पहले इधर ये लिंक करता होगा ना, बस आने जाने का रास्ता था, अब बंद कर दिया। कितने साल हो गए होंगे इसे बंद हुए? लगभग 5 साल से बंद है। गाइस यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले अपने, क्या बोलते हैं, गोदावरी ब्रिज पे मिले हैं। कैसे हो आप लोग?
और कैसा लगता है आपको इंडिया? अच्छा लगता है भाई। मस्त मस्त। आपको नेपाल कैसा लगता बहुत है? बहुत अच्छा लगता है नेपाल, और अभी नेपाल पे आए तो बहुत ज्यादा खुश हैं, और बहुत सारे सभी लोग अच्छे हैं नेपाल में। बिल्कुल शांति है। और इंडिया को भी आना हुआ? हम जाते आते। इंडिया कहाँ कहाँ घूमे हो? बेंगलोर घूम रखे, नासिक घूम रखे, दिल्ली घूम रखे, पंजाब घूम रखे, और पहाड़ साइड में? पहाड़ साइड भी जा रखे हम। पहाड़ साइड के कहाँ कहाँ गए हो? हाटपुर से जा रखे, डेढ़ जा रखे। अच्छा, और सबसे अच्छी जगह इंडिया की कौन सी लगी आपको? इंडिया हमको बैंगलोर लग गए। कर्नाटक बेटर है। तीन ईयर से काम कर रखे बैंगलोर बाहर पे। अच्छा, बाहर भी काम कर रहा था। अभी अभी नेपाल आ गए हो या फिर जाओगे वापस? अब जाओगे, तैयार खा के जाएंगे उधर हम भी। ये त्यौहार का दशहरे का त्यौहार, दशहरे का त्यौहार है गाइस। दशहरे के त्यौहार आपके वहाँ कैसा मनाया जाता है? बहुत अच्छा होता है हमारे उधर तो। कैसे मनाया जाता है, मतलब उसमें क्या करते हैं? हमारे वहाँ जैसे रावण बनाते हैं, उसको तीर से मारते हैं, ऐसे इधर ही बनाते हैं। तीर बनाते उधर है ना, मारते उसको, जलाते, ऐसे बनता है। हमारे वहाँ दशहरा 9 दिन से पहले से तैयारी चल रही है। आज तारीख कितनी है इधर के? 25 तारीख। आज नेपाल की 25 तारीख है गाइस, और हमारी है 12 तारीख। और यहाँ पे जो समय चल रहा है अभी, मेरी घड़ी में 2:50 का चल रहा है, और इनकी घड़ी में चल रहा होगा 3:05 हो चुका है इनकी घड़ी में। सो मिलते हैं फिर दोस्तों। ठीक है। आप तो देख सकते हैं वीडियो चैनल के अंदर आपको जीत वाइब्स ब्लॉग के नाम से है। बहुत अच्छा ड्रेस रहेगा। साउदी बोलते हैं इनको। साउदी व्यापार का मालिक बोलते हैं ना, व्यापार का मालिक। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे व्यापार के मालिक फिर है? तो साउदी, ये जो आप ड्रेसेस देते हो, ड्रेसेस क्या कैसे देते हो? जो ₹100 ₹100 इंडियन प्राइसेस से या फिर नेपाली प्राइसेस से? नेपाली रुपीज में ना। तो कैमरा वगैरह भी आप ही कर रहा था? अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे ये जो ब्रिज है यहाँ पर, ये ब्रिज की क्या स्टोरी है कि जैसे ब्रिज कितने साल पुराना ब्रिज होगा? बहुत पुराना है। अच्छा, कुछ आइडिया है? 70-80 साल पुराना। वो पुल नहीं था पहले, यही था। इसमें ट्रक गाड़ी सब, गाड़ी सब इधर से चलते, गाड़ी मालगाड़ी इधर से चलते थे। जन्मा नहीं था। अच्छा, आप जन्मे नहीं थे। ठीक। तो आप सभी लोग यहीं पे काम करते हैं? अच्छा, हमारा घर ही इधर ही है। तो यहाँ पे टूरिस्ट कितना आ जाता है? आता है दिन में। आजकल बहुत कोई धान गाँव बोलते हैं ना, हाँ वो काटने लगा है, नहीं तो बहुत भीड़ होता है। बाकी घर पहले घर सर कुछ नहीं था, ये घर सबसे पुराना घर इधर ही है। ये आपका ये इधर है ये? इंडिया में मेरा घर नैनीताल पे, उत्तराखंड पे। हाँ, उत्तराखंड आपने देखा होगा, सुना होगा। उत्तराखंड तो आपने सुना होगा, नैनीताल के सब्सक्राइब मार देते हैं। जी। शाम को आएगा, कब आएगा वीडियो ये? आई थिंक कल आएगा, क्योंकि आज तो हमारे भी और चल रहे हैं, तो कल आ जाएगा। कब आया इंडिया से? आज इंडिया से हमें आए 2 दिन हो गए। कितना दिन घूमेंगे अभी? यहाँ हम रहेंगे 15-20 दिन से ऊपर रहेंगे, पूरा नेपाल काठमांडू आगे निकल जाएंगे उसके बाद। ये बहुत अच्छा है, काफी दिन है। मतलब यहाँ पे साली क्या सालिन पार्टी का कह रहे हैं यार? साली की पार्टी नहीं गए ऊपर। सो गाइस, रूम हमारा यहीं पे है, रूम के बगल में कसीनो था, तो सोचा क्यों ना कसीनो भी हम लोग यहाँ पे विजिट करें। यहाँ पे आए हैं तो कसीनो को भी विजिट करना बनता था, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं कसीनो की तरफ। और रास्ते में है हमारा होटल, बस जस्ट पीछे है, 10 कदम पीछे है हमारा होटल, और वहाँ से निकल के आ गए हैं। रूम वगैरह ये वाला अच्छा मिला है, कल वाले से बेहतर मिला है, और फेमस है यहाँ का। इससे पहले तो गए नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम कसीनो विजिट कर रहे हैं। देखो गाइस, मज़ा आएगा। अंदर चल के देखते हैं कि कैमरा अलाउ है कि नहीं है। वैसे सब कुछ अच्छा है वहाँ पे अंदर, और हम लोग वहाँ पे गए तो थे, बट क्या बोलते, कैमरा वगैरह वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ पे हम लोग कैमरा निकाल नहीं सकते थे। बहुत सही है, क्लब वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कभी आते हैं तो यहाँ पे आइए, और अंदर क्लब इंजॉय कर सकते हो। बहुत सही है, क्लब में कोई दिक्कत नहीं है गाइस। कसीनो आपका होटल साथी के नाम से है, आपका धनगढ़ी में है, और अभी हम लोग वहाँ से बाहर की तरफ आ गए हैं गाइस। अब सीधा जाते हैं, अपना पहले कुछ खाना वगैरह खाते हैं। और इस साइड में जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ, वहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी अंधेरा हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
जो मेरे साथ में है ना उस भाई की तो तबीयत ख़राब हो गई यार, वो कल से सोया पड़ा है। अभी भी फ़िलहाल अभी देखो ये फार्मेसी में आए हैं, यहाँ पे फार्मेसी है मुस्कान करके, फार्मेसी है, क्या ही होगा पता नहीं गाइस कि हम लोग यहाँ पे कितने दिन तक रुक पाएंगे, क्योंकि भाई की जिस तरीके से तबीयत ख़राब चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि जल्दी वापस आना पड़ेगा। देखो कब तक हो पाता है, क्या ये कल परसों सर्वाइव कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। हम लोगों का प्लान था यहाँ से काठमांडू जाने का, बट ये सर्वाइव कर नहीं पा रहा भाई, तो देखो क्या ही कर सकते हैं। अगर आना होगा तो वापस ही आ जाएंगे फिर गाइस। भाई साथ वाले को तो 103 बुखार आ गया है, पता नहीं क्या होता है गाइस यहाँ पे, तो आ तो गए हैं और बुखार वगैरह गर्मी वगैरह बहुत परेशान हो गया है भाई, बहुत ज़्यादा थक गया है। अभी हम लोग कसिनो भी गए थे तो वहाँ पे भी इंजॉय नहीं कर पाए थोड़ा, क्योंकि भाई को दिक्कत हो रही है। दवाई दे दी भैया ने तो,